होली मिलन समारोह के इस कार्यक्रम में मुझे संबोधित करने का आपने अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे यूथ ऑफ इंडिया के जब पग में पड़ते छाले तो यूथ की ताकत ये है कि पैर में छाले भी पड़ जाते हैं फिर भी गति में कमी नहीं आती है। अब मैं इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए श्री अरविंद कुमार सिंह जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और हमें अपने संबोधन से और अलग अलग सभी जातियों का संगठन आज हर क्षेत्र में अपना अपना रूप ले चुका है। ये सच्चाई है दोस्तों कि कहीं ना कहीं हमारे समाज में राजनीतिक भेदभाव का बहुत बड़ा दुष्परिणाम है, इसको कोई नकार नहीं सकता, ना हमारे बुद्धिजीवी, ना हमारे गार्जियन और ना ही हमारे नेतागण। लेकिन अगर दोस्तों कोई भी अगर संगठन बने, वो किसी भी जाति से बने, लेकिन जाति के विरोध में ना बन के अगर वो अपने समाज के कल्याण के लिए बने तो हम समझते हैं कि शायद वो कहीं ना कहीं सार्थक और कहीं ना कहीं उपयोगी ही साबित होगा और उसका कहीं ना कहीं कुछ अच्छा ही परिणाम होगा और मार्ग समाज के मार्गदर्शन या मार्गदर्शक बन के ही अगला काम करेगा। एक हमारे नवयुवक रमेश जी जो शुक्रिया कि आप लोग यूथ इंडिया के कार्यक्रम इस होली मिलन कार्यक्रम में आए और हमारे पंचायत के मुखिया जी जो अपना कीमती समय निकाल कर यूथ ऑफ इंडिया को समय दिया उसके लिए भी इनका तहे दिल से धन्यवाद। यूथ ऑफ इंडिया एक सामाजिक संगठन है जिसके चलते हम लोग एक गरीब गुरबों के बीच में जा करके अपना एक सहयोग जो भी हम लोगों से बन पड़ता है सहयोग देते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस करमेनी गांव के लोग भी हमको इस तरह के सहयोग देने में हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञान तिमिरान धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्रुन मिलतम वेना तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु अभि गुरुर देव महेश्वरा गुरुरी साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आई तेरी सोटा बढ़ाई ना देखा तेरी तेरी गाला हमें गल बढ़ाई आज काज करे बताया गया है कि जो हम लोग के समाज में भ्रष्टाचार गलत गलत राजनीति हो रही है उसको रोका जाए और सभी सामाजिक कार्य किया जाए। सबसे पहले मैं बता दूं कि यूथ यूथ माने क्या होता है। और जो भी हमारे मीडिया प्रभारी लोग हैं हम आप सबसे आग्रह कर रहे हैं कि बहुत आप लोग एक्टिव हैं सॉरी बहुत आप लोग एक्टिव हैं हम लोगों के काज को देख करके, इसलिए हमारी टीम आप सबको हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती है यूथ ऑफ इंडिया। और यूथ ऑफ इंडिया का जो डिफिनेशन जो परिभाषा है हमारे मित्र बड़े भैया विजय क्रांति जी वो जो इस तरीके से डिफिनेशन दिए हुए हैं बहुत भली भांति बहुत अच्छी तरीका से के बात को 110% सपोर्ट करता हूं। अगर सही में अगर युवा सोच ले कि मैं जो करने जा रहा हूं क्या वो सही है या करूंगा वो सही है
अगर अपने आसपास गार्जियन या अनुभवी लोगों की आदमी अगर उनका अनुभव कम से कम न करे लेकिन कम से कम अगर पूछ तो ले कि हाँ चाचा ये काम करने जा रहा हूँ ये समाज के लिए सही है या नहीं है, अगर वो सही है तो जरूर चार लोग उसका सपोर्ट करेंगे। लेकिन सही बात है कि आज लोग अपने ही ज्ञान के अहंकार में पता नहीं रास्ते अलग अलग चुन लेते हैं और शायद वो रास्ता उसका जो है मंजिल जहां पहुंचता है वो फिर रिटर्न होने लायक या फिर उसके अफसोस के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं रह जाता है। तो हमें जरूरत है दोस्तों, जब समस्या होगा तो समाधान के लिए लोग एकत्रित होंगे और एकत्रित होना ही हमारा समस्या का समाधान का सबसे बड़ा ये रूप है, ये पहचान है। जब हम लोग एक जगह बैठना चालू कर देंगे, जिस दिन ये समझ गए कि राजनीतिक लोग हमें इस्तेमाल करते हैं, जिस दिन आप समझ गएंगे उस दिन शायद आपको समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा क्योंकि समस्या से पहले आपके पास समाधान हो चुका होगा। लेकिन यहाँ तो पता नहीं समस्या के एक समस्या के निपटाने के चक्कर में पता नहीं कई समस्याओं के जर्नी उलझन में फंस जाता है, ऐसा ही होता आया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई समझाता भी है तो लोग मानते नहीं है। ग्राम करवेनी में रखलवा सबसे पहले यूथ ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष विशाल कुमार तिवारी जी के हमारा तरफ से बार बार प्रणाम। महासचिव राष्ट्रीय महासचिव भाई अरविंद जी के हमारा तरफ से बार बार प्रणाम। यानी यूथ ऑफ इंडिया के तमाम पदाधिकारी या सदस्य के हमारा तरफ से बार बार प्रणाम। साथ ही बलिया ग्राम पंचायत के मुखिया जी के भी हमारा तरफ से बार बार प्रणाम बा, आशीर्वाद के चरणा बा, अरे धरती के जय जयकार बा। बड़ा सौभाग्य के बात बा कि करवेनी ग्राम में हमने के यूथ ऑफ इंडिया के माध्यम से होली समारोह मनाए के शुभ अवसर मौका मिला हुआ। नहीं और जैसा वो चाहते हैं मैं उनका साथ देता हूं, ये मैं आप लोगों को बता देता हूं। यूथ ऑफ इंडिया के बारे में मैं बता देता हूं कि ये कि कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। सबसे पहली बात, ये आपके प्रत्येक सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेती है। अगर कोई दल इसे राजनीतिक रूप में देखना चाहता है तो ये उनकी भूल है। मैं अपने हिंदुस्तान के जो हिंदुस्तान के आबादी में 60% हिस्सा युवाओं की रही है और खास करके मैं अपने इन सभी युवाओं को मैं अपनी ओर से इतनी बधाई देना चाहता हूं कि आपने दिनारा का वो नाम रोशन किया है जो पहली बार दिनारा में आपने किया है वो किसी ने नहीं किया। इस दिनारा की युवा शक्ति को मेरे तरफ से हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत है और मैं मेरी दिल इच्छा है कि आप लोग इसी तरह काम करते रहें। नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह, प्रेस रिपोर्टर जगदूत न्यूज दिनारा। आप देख रहे हैं जगदूत न्यूज। आपका नाम सर? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार राय हुआ। अच्छा, आज जो ये यूथ ऑफ इंडिया के बैनर तले होली मिलन समारोह आप लोग करा रहे हैं, यूथ ऑफ इंडिया की शुरुआत कहाँ से हुई? सबसे पहले तो होली के महापर्व पर हम अपने पूरे बलिया पंचायत वासियों को एवं पूरे देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं अभिनंदन करते हैं। इसके साथ यूथ ऑफ इंडिया यानी कि पूरे भारत में आज यूथ की सीमा चल रही है और यूथ ही भारत के निर्माण करता है और हम अपने पंचायत स्तर यानी जमीनी स्तर से हमने इन्होंने उठाने का काम किया है और पूरे यूथ को हम लोग जोड़ने का जो जिम्मेवारी ली है हम लोग पूरे यूथ को जोड़ेंगे और पूरे यूथ के जोड़ने के बाद एक सामाजिक संस्था के तहत हर समाज के लोग चाहे वो पिछड़ा हो अति पिछड़ा हो दलित हो महादलित हो सोशल वर्क हो या जो भी हो उसको हम जोड़ने का काम करेंगे और अपने यूथ ऑफ इंडिया के माध्यम से हम सभी को कार्य करने का आह्वान किए भी है कि जिसका जो भी हमारे सामाजिक क्षेत्र यूथ ऑफ इंडिया से जो मदद मांगेगा वो हमारे यूथ ऑफ इंडिया सभी लोगों को सभी समान वर्ग को सभी लोगों को मदद करने में सक्षम है और करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चंदन सिंह, ब्यूरो रिपोर्ट, जगदूत न्यूज, दिनारा।